तुषा आगे साइकिल लेके निकल चुकी है एंड आस्था पीछे आ रही है मेरे साथ में। तो अभी तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो हम उठ गए हैं और चाय वाय हमने पी ली है, और फिलहाल तो अभी हम छत पे आए थे, जो कि हमारा लैपटॉप था वो हमने रात को बंद नहीं किया था, तो अभी हमने बंद किया है। तो अभी चलते हैं नीचे, तो देखते हैं बाहर क्या होता है सीन। आस्था क्या कर रही है, तुषा क्या कर रही है, सब लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस बने रहे ब्लॉग पे। हमने बर्तन की सफाई हो रही है, जानू सुबह सुबह में करती है, और आशु पानी इसमें टंकी में भर रही है। तो आज सुबह सुबह में पानी आ गया है तो टंकी में भर रही है। तो फिलहाल तो यही है, तुषा वहाँ पर अपना होमवर्क फिनिश कर रही है। सभी लोग साथ में बैठ के ही होमवर्क करते हैं और फिनिश कर रहे हैं। देखो कपड़े तो बिल्कुल निकाल दिए हैं और सभी बैठे हुए हैं। आशु नाराज है सुबह सुबह में, उनको चाहिए मोबाइल कार्टून स्टोरी देखनी है, तो फ़ोन देते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, उनको खेलने के लिए देते हैं फ़ोन। हाँ तो लिया है, फिलहाल तो हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सब ने कर लिया है, हम बाकी है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एंड गाइस आते ही पहले हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और चाय हमारी शायद रेडी होगी, तो देखते हैं। आस्था एंड तुषा तो है ही नहीं, चाय रेडी है तो चाय पहले तो पीना चाहिए। तो जानू ने चाय तो हमारे लिए बना के ही रखती है, तो अभी गर्म करनी पड़ेगी, गर्म करके ही पी लेते हैं, तो चाय पी लेते हैं। एंड गाइस मक्खन यहाँ पर रेडी है, तो ये मक्खन है रेडी, तो चाय तो बन चुकी है बट ठंडी हो चुकी होगी शायद, तो अभी गर्म करने के लिए रखी है, तो गर्म कर लेते। वहाँ पर तुषा खेल रही बच्चों के साथ, मैं दिखाता हूँ जूम करके, तो वहाँ पर खेल रही है उस इको के पीछे, वहाँ पर सामने ही खेल रही है, तो सभी बच्चे वहाँ पर हैं तो वहीं पर खेल रही है। तो फिलहाल तो चाय पी लेते पहले, तो यहाँ पर चाय गर्म होने के लिए रख दी है ऑलरेडी, यहाँ पर घी भी गर्म, ये मक्खन भी गरम करने के लिए रख दिया है। जानू मक्खन भी गरम कर देगी और इसमें से घी बन जाएगा पूरा, तो इसमें से घी निकाल देंगे। तो अब ये मक्खन रखा है तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में ही गरम हो जाएगा और घी बन जाएगा पूरी के पूरे तरह। और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है, शायद चाय पहले पी लेते हैं। घी कैसे होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये घी बन चुका है पूरी तरह से, अब उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, बाद में वो घी रेडी हो जाएगा। तो जानू ने दूसरा घी डाल दिया है इसमें, ये बहुत ठंडा था तो अभी ये गर्म होने के लिए रख दिया है, काफ़ी उस पर थोड़ी थोड़ी सास जमी हुई है। एंड चाय अभी गर्म है तो उसको ठंडी रख करने के लिए रख दिया है। एंड यहाँ पर घी भी काफ़ी उबल चुका है, देखो अभी घी रेडी हो चुका है, 99% रेडी ही है, बट मुझे पता नहीं चलता कि ये रेडी हो चुका है या नहीं, अभी जानू देखेंगी, बाद में डिसाइड होगा कि ये रेडी हो चुका है या नहीं। तो उसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर ही रखते हैं उबलने के लिए, गैस थोड़ा धीमा कर देते हैं उसको थोड़ा, तो अभी रखते हैं ऊपर, अभी जानू आके देखेंगी क्या है, क्या डिसीजन है वही लेंगी, हम तो नहीं ले सकते भाई, कच्चा रह जाएगा हम डिसीजन लेके। तो एंड आशा यहाँ पर खेलते खेलते आ चुकी है, ये बंद कर मेरी मम्मी का। हाँ तो बंद कर दो, अब इसको बोल दिया है बंद करने के लिए तो बोल ही कर ही देते हैं बंद। तो अभी घी हो गया होगा शायद रेडी, तो अभी चाय हमारी रेडी है, तो चाय भी ठंडी हो चुकी है, तो चाय पहले पी लेते हैं। गाइस घी हो गया तैयार, जानू ने फाइनली डिसीजन ले लिया और घी रख दिया उसमें, इस वाली जार में। ये ओनली घी यूज़ होता है दिए जलाने में ही। गाइस हमने चाय वाय पी ली है और फिलहाल तो अभी हमको जाना है खेत में। खेत में क्यों जाना है मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों जाते हैं हम खेत में, तो व्लॉग पे बने रहे लास्ट तक देखना। तो चलते हैं, फिलहाल तो तुषा आगे निकल चुकी है तो पीछे हम जा रहे हैं, तो चलते हैं खेत में ही मिलते हैं। तुषा आगे साइकिल लेके निकल चुकी है एंड आस्था पीछे आ रही है मेरे साथ में, तो अभी हम जा रहे हैं खेत की ओर। तो फिलहाल तो यहाँ पर देखो सन बिल्कुल आसमान में है। एंड गाइस खेत में तो आ चुके हैं, आस्था आगे, तुषा आगे जा रही है, आस्था पीछे खेल रही है साइकिल के पास, तो अभी ये हमारे पीछे पीछे आएगी शायद, तो ये आ ही रही है हमारी ओर, तो अभी ये हमारे पीछे पीछे आएंगी। तो अभी हम जा रहे हैं, तो ये घास है तो उसका थोड़ा कटिंग करना है, ज़्यादा नहीं लेने का है, थोड़ा कटिंग करना है, तो वहाँ पर लास्ट में जाएंगे हम। तो ये पूरा घास है तो उसका कटिंग करना है, पूरे का पूरा नहीं करना, अभी थोड़ा ही करते हैं, तो चलते हैं। वो क्या कर रही है तुषा, क्या कर रही पता नहीं, वो कंकोले ढूंढ रही है कंकोले, शायद आपने देखे होंगे गाइस,
कंकोल है बहुत ही, यहाँ पर ये जो घास होता है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा उसके वेले होते हैं, तो उसमें कंकोले ज़्यादा होते हैं। तो अभी ये तृषा खोज रही है, तो हम तो नहीं खोजने वाले, हम तो आशुतायन दोनों हम जाने वाले हैं। वहाँ पर घास थोड़ा है तो कटिंग कर लेते हैं पहले, तो पता नहीं तो पानी पाया था इसलिए ऐसा होता है। चलो, तो पानी पिला दिया है उसको, तो काफ़ी गीला है, तो वह लास्ट वाला है जो घास इतना ही है, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको कटिंग करना है, तो कटिंग करते हैं पहले। तो ओ अभी मैं गिरने वाला था बट नहीं गिरा, क्योंकि मेरा पैर उसमें लग गया था। तो अभी फाइनली हम आ चुके हैं, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, सभी खेती खेत नज़र आता है। देखो यहाँ पर सभी जगह पर खेती खेत नज़र आता है। तो वहाँ पर हमारे घर है, तो थोड़े दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। सन देखो काफ़ी तेज़ धूप छोड़ रहा है, और यहाँ पर ये कटिंग करा हुआ घास है, थोड़ा है यहाँ पर ये घास खड़ा है, तो उसको कटिंग कर लेते हैं थोड़ी। तो ये लास्ट वाला है, तो अभी कटिंग कर लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसको कटिंग करने में, क्योंकि इतनी से इतनी ही कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो अभी आस्था आ रही है पीछे, एंड तृषा भी आ गई मेरे साथ में, तो अभी हम दोनों कटिंग करेंगे थोड़ी देर। तो कटिंग करते हैं गाइज, गाइज घर पे तो आ चुके हैं फिलहाल। तो अभी हमको छत पे हमारा लैपटॉप चार्ज करना है, तो उसको चार्ज में डालना है, क्योंकि चार्ज ख़त्म होने वाला है, तो लैपटॉप चार्जिंग लगा देते हैं। फिलहाल तो काफ़ी अंधेरा है, तो पहले लाइट जला देते हैं। यहाँ पर लैपटॉप चार्जिंग करने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप तो ले लिया, यहाँ पर चार्ज पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर रख दिया है पहले, तो फिलहाल तो यहाँ पर लगाना है हमको, तो यहाँ पर इसमें रखेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, टेबल वहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ लाएंगे नहीं, यहाँ पर हम रखेंगे उस पर। तो यहीं पर रख देते हैं, केबल तो है लंबा, तो केबल तो है लंबा गाइस, तो यहाँ पर लगा ही देते हैं, क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं होता तो दिक्कत होती है फिर केबल। और ये अडेप्टर हटाना पड़ेगा मोबाइल का है जो, तो ये हटा देते हैं और इस पर लगा देते हैं। तो फिलहाल तो हो गई स्टार्ट, देखते हैं भाई चार्ज हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। यहाँ पर लाइट आ रही है, देखो गाइस यहाँ पर रेड लाइट हो रही है, तो चार्ज हो रहा है फिलहाल। तो यहाँ से दूरी काफ़ी लंबी है, तो हमारे पास केबल नहीं है इतना लंबा, तो हम यहाँ पर देसी जुगाड़ करके यहाँ पर रख देते हैं। तो फिलहाल तो इस बल्ब को फिलहाल तो बंद करनी पड़ेगी, ये लाइट को, चार्ज में तो लग गया है, देखो लाइट हो रही है। तो फिलहाल तो चलते हैं नीचे, और हमारा दूध देने के लिए जाना पड़ेगा, तो पहले दूध देने के लिए जाएँगे, तो चलते हैं दूध दे के वापिस आते हैं। हमारा खाना भी रेडी है, तो खाने में है दूध सब्जी और रोटी, एंड जानू साथ में बैठी हुई है, तृषा आस्था वहाँ पर सो गई है, वो खाना कंप्लीट कर चुकी है। तो फिलहाल तो खाना कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में मिलते हैं आपको। मावा रेडी है, तो खाना कंप्लीट कर लेते, खाने के बाद भी मावा रेडी है, तो फिर से खा लेते हैं। मावा कैसा लगा? अच्छा। आपने खाया तो नहीं? खाया तो नहीं? खाया तो नहीं? तो गाइस खाना कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस खाना तो कंप्लीट हो चुका है, फिलहाल तो लैपटॉप अभी चार्ज हो गया होगा शायद, तो उसको बंद कर देते हैं। 2 घंटे लगातार चार्ज में रखा है, तो उसको निकाल देते हैं चार्ज में से। तो यहाँ से निकाल देते हैं, तो अभी रख देते हैं चार्जर, क्योंकि 2 घंटे हो गए उसको चार्ज में लगाए हुआ, गर्म तो नहीं हुआ इतना। तो फिलहाल तो अब थोड़ा काम है, तो यहाँ पर लगा दिया है हमने। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा काम है, वर्क है, तो थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। एंड जो यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, तो उसको काफ़ी ये डोर बिल्कुल ओपन कर देते हैं, तो यहाँ काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ बैठने वाले हैं इस वाली चेयर में, और यहाँ पर लैपटॉप है,
तो अभी हम यहाँ पर बैठ के ही काम करेंगे। तो गाइस अभी ब्लॉग को करना है एडिट और काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि दो घंटे तो लगी ही जाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।